को व्यूवर्स, मेरा नाम शरद तलवार है। मेरा ताल्लुक आईबी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खैरपुर से है। इससे पहले भी कई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो चुके हैं। हमारी लास्ट वीडियो का टॉपिक था बेसिक एफिशिएंट ट्रेनर पे। हमने बताया था कि सिस्टम में अगर कहीं चौकिंग या ब्लॉकिंग हो जाएगी तो क्या कंडीशन होती है, प्रेशर वगैरह क्या होते हैं, ये हमने आपको बताया था। वो बात हमने की थी, हमने ड्रायर फिल्टर से चौकिंग की थी, एक्सपेंशन डिवाइस के पास चौकिंग की थी, तो आपने उसकी कंडीशन देखी थी। आज हम जो है सक्शन साइड पर ब्लॉकेज करेंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है गैजेट्स पे। जैसे कि मेरे पीछे पहले से बेसिक रेफ्रिजरेंट ट्रेनर मौजूद है, मैंने आपको बताया है कि स्प्लिट एयर कंडीशन हो या विंडो एयर कंडीशन हो या डीप फ्रीजर हो या रेफ्रिजरेटर हो, सिस्टम सारा यही होता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसका टॉपिक है बेसिक रेफ्रिजरेंट ट्रेनर में सक्शन साइट अगर ब्लॉक होती है तो क्या कंडीशन होती है। चलते सेक्रेटरी की जाने, आपको जैसे कि पता है बेसिक रेफ्रिजरेंट ट्रेनर में मेन कंपोनेंट है कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद बेसिक रेफ्रिजरेंट साइकिल का हिस्सा होता है कंडेंसर। कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन डिवाइस के बाद एवोपरेटर। ये चार बड़े पार्ट्स ऐसे हैं जिनके बगैर रेफ्रिजरेंट साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, चाहे एयर कंडीशनिंग साइकिल हो चाहे रेफ्रिजरेशन हो। अच्छा, उसके अलावा फिर इसमें सपोर्ट्स के लिए पार्ट्स लगे हुए, वाल लगे हुए हैं, ठीक है, स्विच लगे हुए, प्रेशर कंट्रोल स्विच है, सेक्शन लाइन एक्यूमुलेटर है, लिक्विड रिसीवर है। ये हम बार बार आपको बताते रहते हैं, मकसद यही होता है ताकि आपको चीज़ों की पहचान हो जाए और आप उसको फंक्शन को समझने में आसानी हो। आप देख रहे हैं हमारा जो रनिंग प्रेशर है इस वक्त, स्टैटिक प्रेशर है सॉरी 100 PSI, ठीक है। जो ही मैं ऑन करूँगा वो कहलाएगा रनिंग प्रेशर, वो हम देखेंगे उसको कितना होता है। इधर का भी स्टैटिक प्रेशर 100 PSI है, इधर भी तकरीबन 100 PSI है, उधर भी। तो सारे सिस्टम में स्टैटिक प्रेशर इस वक्त इक्वल 100 PSI ओवरऑल सब जगह पर है। ट्रेनर छोटा है इसलिए इसमें 100 PSI प्रेशर है, दूसरे यूनिट होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, डिफरेंट प्रेशर होते हैं। तो हम मेन कंट्रोल बोर्ड की तरफ चलते हैं, अपने सिस्टम को ऑन करते हैं। इसको अभी हमने नॉर्मल में लिया हुआ है, आपने देखा जैसे ऑन हुआ 100 PSI से प्रेशर डाउन आना शुरू हो गया। अब ये रनिंग प्रेशर हमारा तकरीबन 20 PSI पर आ जाएगा। हमारी डिस्चार्ज का पाइप गर्म होना शुरू हो गया है, सक्शन नॉर्मल है और हमारे एवोपरेटर साइड पर कूलिंग का वर्क स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था 20-50 PSI प्रेशर रहेगा, यहाँ का प्रेशर तकरीबन 160 है, यहाँ का भी 50 PSI है एवोपरेटर साइड का और इधर हाई साइड का भी 170 PSI। अब हम इसकी डिस्चार्ज को पहले हमने ब्लॉक किया था, अब हम करते हैं सक्शन साइड को ब्लॉक और उसके प्रेशर की रीडिंग देंगे कि क्या रीडिंग होती है। सक्शन लाइन जैसे कि हमारी आ रही है, हमने इसको कर दिया ब्लॉक। जैसे इसको ब्लॉक किया सक्शन हमारी, मैंने आपको बताया था एवोपरेटर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया 20 से, ये देख लें इस वक्त 70 पहुंच गया और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज ही हो रहा है और हमारा डिस्चार्ज साइड का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा है, 170 से 150 तक आ गया। एक मिनट हम इसको चला के देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन होगी। अच्छा, इधर रनिंग प्रेशर आ गया 0 PSI पर आ गया, सिस्टम में मौजूद गैस रेफ्रिजरेंट यहाँ आकर ब्लॉक हो रही है सक्शन में, क्योंकि सक्शन कंप्रेसर से आ रही है। यहाँ पर 0 PSI आना शुरू हो गया, यहाँ पर 150 हो गया हाई साइड पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं एवोपरेटर का प्रेशर बढ़ गया है 120 PSI हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी सक्शन साइड कहीं से ब्लॉक है, हमारे दीगर गेजेस का प्रेशर भी 150 PSI है और इसका 120 से भी अबव हो गया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसका तकरीबन 180-160 प्रेशर चल रहा है। यहाँ पर 0 से आहिस्ता आहिस्ता नीचे सुई आना शुरू हो गई है और सिस्टम में से कूलिंग भी चली गई है। जब हमारा रनिंग प्रेशर 0 से आ जाता है इस सूरत में भी हमारा सिस्टम ब्लॉक है। दोनों कंडीशन में हमारा सिस्टम चौकिंग कहलाएगा। ज़रूरी नहीं होता है कि डिस्चार्ज साइड पर हमारा प्रेशर अगर कहीं ब्लॉक हो रहा है तो वही चौकिंग कराए, सक्शन साइड पे भी हमारी ब्लॉकेज होती है। तो ऐसा ना हो कि कहीं हमारे से किसी सिस्टम में चौकिंग हो और हम सिर्फ हाई साइड पे ही उसके कंडेंसर को ही वॉश कर रहे हों, कैपिलरी को वॉश कर रहे हों, हमें सक्शन साइड का उसका एवोपरेटर को भी वॉश करना होगा और उसमें प्रेशर देखना होगा, नाइट्रोजन का प्रेशर देखे कि
कितना प्रेशर रिटर्न हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ आई होगी। नई आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।